काकी का फिर दिखा खौफनाक चेहरा। अपराधी की तरह युवक को चौकी में पीटा, बिना जुर्म के भी क्यों दी थर्ड डिग्री सजा। इस युवक के जिस्म पर उभरे जख्म के ये निशान काकी के खौफनाक रवैये की कहानी बयां कर रहे हैं। इस कदर बेरहमी से इसकी पिटाई की गई है कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पुलिसिया जुल्म के सबूत मौजूद ना हो। पीड़ित युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। दारोगा जी को भला ये कैसे भाता। लगभग रात के 9:30 बजे गांव के पास ही हमारा सोनी फार्म हाउस है, तो हम वहाँ बैठे हुए थे। मैं था, मेरे एक यार दोस्त भी थे, हम वहाँ मजाक कर रहे थे। तो इतने में पुलिस वहाँ आ जाती है। उन्होंने बोलते हैं हमसे कि भाई क्या कर रहे हो। मैं भी सर ऐसे मजाक कर रहे हैं। उन्हें मेरे साथ मारपीट इतनी करी बहुत ज़्यादा। मुझे उठा के ले गए, मुझे होश आवास नहीं रहा। मुझे फिर सुबह पता लगा तो मैं थाने में था। फिर वहाँ से मैंने फ़ोन करवाया भाई को, तब वो आए। उसके बाद अब सारा मामला आपके सामने। बकौल उमेश वो पुलिस के सामने अपनी पहचान बताता रहा, भाई की पहचान भी बताई, लेकिन खाकी के दिमाग में जो फितूर सवार था उसका सारा खामियाजा इस नौजवान को भुगतना पड़ा। किसी तरह पीड़ित उमेश ने अपने घर वालों को इसकी खबर दी। मेरा छोटा भाई है, फार्म हाउस है अपना गांव के पास ही, वहीं बैठा था। इसके साथ एक दो यार दोस्त थे। 9:30 के आसपास की रात की घटना है जी। पुलिस वाले आए, इन्हें बेवजह कह रहे यहाँ क्यों बैठे, बोले जी ऐसे बैठे यार दोस्त हंसी मजाक कर रहे हैं। बोला यहाँ क्यों बैठे, ये उन्होंने बोला भी कि मेरे भाई वकील हैं, ऐसे ऐसे वो बताया। उसके बावजूद भी पुलिस वाले ने जान बूझ के इसकी इतनी पिटाई की है, इसकी बहुत स्थिति खराब है। अपने गुनाह को छुपाने के लिए पुलिस वालों ने चौकी में उमेश की पिटाई के बाद शांति भंग करने के केस में इसका चालान कर दिया। घर वालों ने किसी तरह इसकी जमानत कराई, जिसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खाकी वालों की इस खौफनाक करतूत की खबर जिले के कप्तान तक पहुंची तो एसपी ने एक्शन लेते हुए 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। मीडिया सेल के जरिए लाइन हाजिर करने का प्रेस नोट भी जारी हुआ है, लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि खाकी अपनी हनक बेकसूरों पर ही क्यों दिखाती है।